जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे वीकली राशिफल में। मैं हूं आपकी गुरु मां रुक्मिणी, किसी की गुरु, किसी की माँ, किसी की गाइड। और आज आपको बताऊंगी 15 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक आपके साथ क्या क्या घटनाएं होने वाली है, किन चीजों से बच के रहना है, किन चीजों का लाभ लेना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग भी दिल्ली से बाहर रहते हैं, आप चिंता मत करो, गुरु माँ जल्दी ही आपकी पुकार भगवान जी सुनने वाले हैं और जल्दी मैं आपके शहर भी आऊंगी। इंडिया में कई जगह बातचीत चल रही है, जहां हमें बुलाया जा रहा है, तो हम अवश्य ही आपकी जन्म कुंडली को निशुल्क देखने के लिए आपके शहर जल्दी ही आएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आप नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, भगवान कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे, हम आपके पास आ जाएंगे। जो लोग भी अपने शहर में हमारा सिद्ध दरबार जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और बिल्कुल निशुल्क, हम लोगों के लिए तो निशुल्क करेंगे ही, आपसे भी ऑर्गेनाइज कराने की कोई फीस नहीं लेने वाले हैं। बस एक ऐसी व्यवस्था कर लीजिए जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सके, उनको आशीर्वाद दे सके, उनकी कुंडली देख सके, उनके नारियल फल को मंत्र सिद्ध करके उनको दे सके, उतनी सी व्यवस्था कर लेना। 2 दिन का समय निकाल के हम आपके शहर में जरूर आएंगे। अधिक उसके लिए जानकारी लेनी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। ज्यादा हैरान हमारे राशिफल को देख के मत होइए, क्योंकि ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो संभव नहीं है। प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। उनकी कृपा से जो भी हमें इंट्यूशन होती है, जो भी आभास लगता है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु माँ बिल्कुल सत्य होता है, तो ये प्रभु का चमत्कार ही है। आप कहाँ बैठे हो, हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन साथ में जुड़े हैं किसी कारण से, तो आपके साथ क्या होने वाला है प्रभु ऐसा आभास हमें दे देते हैं, और हम प्रभु ने जो भी हमें आभास दिया है वो आपको बता देते हैं। साथ ही ज्योतिष की गणनाओं पर भी ये राशिफल आधारित होता है, वैदिक ज्योतिष के द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ और गाइड करती हूँ। इसे अपनी चंद्र राशि से देखें और ये मेल फीमेल दोनों पर ही लागू होगा। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस हफ्ते में आप अपने आप को कोई चैलेंज दे रहे हैं, या कोई गोल बना रहे हैं, या आपने कुछ सोच लिया है, कोई रेजोल्यूशन ले लिया है, ये तो अब करके ही रहना है, और उसके लिए आप बहुत मेहनत करने वाले हो, जी तोड़ मेहनत करने वाले हो। कुछ लोग तो एकदम सुबह जल्दी उठ करके अपना रूटीन एकदम चेंज करके कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ तो आपने बिल्कुल सोच लिया इस हफ्ते में कि अब ये करके ही रहना है, तो उस चीज की अच्छी शुरुआत होती दिखाई दे रही है, जिससे कि आपका हेल्थ, एक्चुअली आपका तीनों चीजें, माइंड बॉडी स्पिरिट, तीनों ही चीजें आपकी बेटर होती दिखाई दे रही है। तो एक अच्छी संकल्प शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी, और अपनी बॉडी के लिए आप अच्छा फील करेंगे, अंदर से भी आपको सुकून मिलेगा कि हमने जो सोचा है उसको कर पा रहे हैं, तो वो एक हफ्ता उसके लिए काफी सैटिस्फाइंग है। हेल्थ में अगर इश्यू हो रहा था तो हेल्थ आपका बेटर होगा इस हफ्ते, डेफिनेटली बेटर होगा, और आप उसको नेचुरली ही हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है दवाइयां छोड़ दें, कुछ लोग हो सकता है कोई एक्सरसाइज या एरोबिक्स वगैरह या कोई योगा वगैरह अपना लें, कुछ लोग ब्रीदिंग वगैरह, प्राणायाम वगैरह बढ़ा सकते हैं, मतलब कुछ चेंज आप ला रहे हैं, खाने पीने में कुछ नहीं चेंज ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपका नेचुरली जो है वो आपका बॉडी आपका साथ देना शुरू कर देगा। जॉब की बात करें तो जॉब में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो सकता है, और कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस समय में कोई ऐसी जॉब के पास आप जा सकते हैं, वहां इंटरव्यू दे सकते हैं, जहां से आपको ये रिप्लाई मिले कि आप ओवर क्वालिफाइड हैं अपनी जॉब के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे, मतलब आप जहां जा रहे हैं कि परेशान हैं, तो जहां भी जॉब मिल जाए लेकिन वो जगह आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वहां से आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप उस जॉब के लिए ज्यादा क्वालिफाइड है, तो वो बात आपको सुनने को मिल सकती है। कुछ लोग जो है कंपटीशन फेस कर सकते हैं, उनके कोलीग्स जो हैं वो उनके सामने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है लेकर के जबरदस्ती आ सकते हैं, जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए, जानबूझ के आपका रास्ता मुश्किल करने के लिए वो आपके सामने कोई ऐसे चैलेंज लेके आ सकते हैं, ये तो हो ही नहीं रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ बातें हो सकते हैं, बट आप उसको पूरा बहुत आराम से कर लेंगे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जो है इस समय में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल अलग सा तरीका आप अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो आप उसको इग्नोर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इग्नोर नहीं करना चाहिए, पहले आप कुछ मतलब उसके लिए सलूशन निकाल लो, मिल जाएगा आपको, कुछ ना कुछ बन जाएगा, लेकिन बिजनेस जो है वो आपका ग्रोथ करता रहेगा, और कोई
व्यक्ति आपको कॉपी कर सकता है बिजनेस में, आपका कोई भी, जो भी आप काम करते हैं, जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो आपको पता चलेगा फलाने जिस बंदे ने आपकी कॉपी करके उस काम को खोल लिया है और वो भी आपके जैसा कर रहे हैं, लेकिन आपके जितना अच्छा नहीं कर पाएंगे। सिद्ध दरबार तो बड़ा चमत्कारी है, न जाने किस किस के काम बने हैं, न जाने किस किस पर प्रभु ने कृपा की है, जो हर जगह से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो जब हमारे दरबार में आते हैं तो चमत्कार ही चमत्कार गाते हैं। ऐसे ही एक भक्त के साथ चमत्कार हुआ, चलिए जानते हैं। जय सनी देव, मेरा नाम सौम्य राज है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं कुछ महीनों से दिल्ली में रह रहा था, इससे पहले जॉब कर रहा था लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैंने जॉब छोड़ा था। मैं बहुत दिनों से नई अच्छी जॉब की तलाश में था लेकिन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, और यूट्यूब के वीडियोज को देखने के बाद मैं गुरु माँ से जुड़ा और 5-6 बार मैं दरबार में आया और ऐसी कृपा रही कि मेरी अच्छी जॉब लग गई और मैं गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के यहाँ पानी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर जमीन पे पानी गिरना या आपकी छत से पानी टपकना, इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ा खासकर नीचे जमीन पे पानी आना आपका दिखाई दे रहा है, आपके घर में पानी आ सकता है, आपके वर्क प्लेस में पानी आ सकता है, तो वो थोड़ा पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो दिख रही है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप आपका अच्छा बना रहेगा। कुछ लोग अपने पेरेंट्स से अपने पार्टनर को मिला सकते हैं या उनके साथ या उनके पेरेंट्स के पास जा सकते हैं, उनके साथ बातचीत हो सकती है, उनके मदर से आप मिल सकते हैं, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ रिश्ते की बात आगे बढ़ रही है। अगर सिंगल है तो इस समय में आप कोई रिश्ता ढूंढ सकते हैं जहाँ मतलब मुलाकात भी इस हफ्ते में फैमिली के साथ आपकी हो जाए। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में आप इस समय में जितना भी करेंगे वो सामने वाले आपकी कदर नहीं करने वाले, तो वो उसके लिए आप उस इस हफ्ते उसके बाद में पढ़ना ही नहीं कि कोई मेरी कदर करे या कोई मेरे लिए कुछ सोचे। आप इमोशनल होते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हमने इतना करा, हम इतना करते हैं लेकिन कोई हम पे ध्यान नहीं देता, तो इस हफ्ते तो कोई ध्यान देने भी नहीं वाला। तो अपना काम करो और अपने लिए करो, वही आपके लिए बेस्ट है, किसी भी बात को मन से ना लगाएं। आपके जो ससुर जी हैं या आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं या अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके रिश्तेदारी में जो बहुत गुस्से वाले हैं, जो बेकार की बातों में गुस्सा करते हैं और कमी बहुत निकालते हैं, तो उनके साथ आमना सामना आपका हो सकता है, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि समझ नहीं आ रहा है, भूल जा रहे हैं चीजों को, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। तो नर्वस मत होइए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। कई बार ओवर भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना आपके लिए नुकसानदायक है, थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन को टाइम दीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ये हफ्ता आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए, बहुत सारा आशीर्वाद है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।